हरमाड़ा थाना क्षेत्र के चमड़िया पोखर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि एक आदमी मलियाचक का गनोरी घर से बाइक लेकर हनवारा जा रहे थे, वहीं पोखर के पास हनवारा की तरफ से आ रहे बाइक सवार से जोरदार टक्कर हो गया। टक्कर इतना जोरदार था कि गनोरी का गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इनमें गनोरी की एक टांग भी बुरी तरह से टूट गई। वहीं दूसरी ओर दिग्घी की एक औरत बुरी तरह से जख्मी हो गई हैं, जिसको बेहतर इलाज के लिए हनवारा और गनोरी को भागलपुर भेज दिया गया है। 18 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र के बरहेट के अंतर्गत गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी प्रखंड क्षेत्र के टेसोबथान क्षेत्र का भ्रमण कार्यक्रम तय किए हैं। मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से कल दोपहर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयारी में लगी है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने में जुटे हैं, क्योंकि सुंदर पहाड़ी क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी सजगता के साथ तैयारी में लगी है। वेन्यू को विजिट किए हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण में जितने भी हम लोगों का SOP है वो फॉलो किया जा रहा है, और इसके अतिरिक्त जो हम लोगों को SSB का फोर्स भी उपलब्ध हुआ है, IRP का फोर्स भी उपलब्ध हुआ है। कम से कम जो है 400 से 500 फोर्स का जो है डेपुटेशन है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है सुंदर पहाड़ी, तो उसका भी हम लोग ने पहले से ऑपरेशन जो है एडिशनल SP ऑफ दुमका जो है यहाँ पर 2 दिन का डेपुटेशन भी किया गया है और ऑपरेशन भी अभी जारी कर दिया गया है। तो पूरा जितना भी सुरक्षा का जो हम लोगों को तैयारी करना था वो हम लोग पूरा तैयारी कर लिए हैं, और हमको उम्मीद है ये शांतिपूर्ण ढंग से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम संपन्न। कितने बजे से प्रोग्राम जो है अभी जो प्रोग्राम आया हुआ है हम लोगों को कल 1 बजे से करीब 2:30 बजे तक प्रोग्राम है, 1-2 घंटे का प्रोग्राम है, फिर उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी। क्या आप भी हैं लॉकडाउन और बेरोजगारी से परेशान? तो घबराएं नहीं, इस लॉकडाउन और बेरोजगारी में भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है इजी कैश पॉइंट। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। CSP खोलकर आप कमा सकते हैं 10 से 20 हजार रुपए प्रति महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व DTH रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसी सुविधाएं और सभी ट्रांजैक्शन पर पाएं तुरंत कमीशन। आज ही CSP ID लेने के लिए और CSP संबंधित जानकारी पाने के लिए संपर्क करें 9162571443 पर। गोड्डा पुलिस ने लूट और हत्या के 2 अलग अलग मामले में 2 को किया गिरफ्तार। पहला मामला पुड़ैयाहाट प्रखंड क्षेत्र के देवदाड़ थाना अंतर्गत 8 अगस्त को एक निजी फाइनेंस कंपनी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड के फील्ड ऑफिसर सुमन कुमार से 3 अज्ञात अपराधियों ने 71,000, 1 मोबाइल, पर्स, ATM कार्ड व 2500 नगद लूट लिए, साथ ही मोटरसाइकिल की चाबी भी छीन ली। इस मामले को लेकर देवदाड़ थाना में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस द्वारा एक टीम गठित कर लूट कांड में शामिल सहबाज अंसारी उर्फ बुलेट, पिता गरीबुल अंसारी, मुर्गाबनी थाना पुड़ैयाहाट जिला गोड्डा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर लूटे गए मोबाइल, बाइक की चाबी और 5,000 नगद बरामद किए गए। लूट में शामिल अन्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरे मामले में सुंदर पहाड़ी थाना अंतर्गत 16 अगस्त को सुअर मारने को लेकर चाचा भतीजा में विवाद हुआ था। चाचा बेदा पहाड़िया ने अपने भतीजे बेंजामिन पहाड़िया को तेज धारदार हथियार से जान से मार दिया। इस मामले में आज पुलिस ने चाचा वेदा पहाड़िया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक लूट का घटना दिनांक 8/8/2021 को घटना घटा था, जिसमें देवगान थाना अंतर्गत एक स्पंदना स्फूर्ति का माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से करीब जो है 72,000 का जो है एक लूट का घटना हुआ था, जिसमें हमने एक स्पेशल टीम बना के एक जो है एक आज एक अपराध कर्मी को जो हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बेसिकली जो है ये गैंग ऑपरेट कर रहा है देवडान थाना पुड़ैयाहाट थाना अंतर्गत, और इसमें जो मास्टरमाइंड है उस्मान अंसारी, उसके अगेंस्ट में जो है बहुत सारा क्रिमिनल केसेस भी वांटेड है और दागी भी है। आज हम लोगों ने शाहबाद अंसारी जो इस कांड में शामिल है उनको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, और उनके निशानदेही पे जो है हम लोगों ने जो मोबाइल लूटा गया था, मोबाइल और बाइक का
और कुछ रुपए भी जो हम लोगों ने बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा और शाहरुख अंसारी जो ये तीन लड़के गए थे और उसमें जो है लूटपाट किए हैं। इसमें सारे जो है हिस्सा जो इनको मिला था करीब तीनों में बटा गया था कि करीब 15,000 का इन तीनों में बांट लिए थे और उसमें एक आदमी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, उसमें 5,000 रुपये का जो है रिकवरी कर लिया गया है। गोड्डा पर भोर सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक गोड्डा वायस रमेश के संयुक्त निर्देशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी गोड्डा शैलेंद्र रजक, नगर थाना प्रभारी मुकेश कुमार पांडे, परिवहन विभाग के कर्मियों के सहयोग से वाहन जांच अभियान सुबह 9 बजे से 11 बजे एवं संध्या 4 बजे से 5 बजे तक नगर थाना क्षेत्र के रोतारा, सरकंडा एवं कारगिल चौक में चलाया गया। आज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत सुंदर पहाड़ी प्रखंड के सभागार में भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के अवसर पर पंचायत स्तरीय यूथ मोबिलाइजेशन कैंप का आयोजन किया गया। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव के द्वारा आज मंगलवार को जनता की फरियाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सुना गया, जिसमें जिले के दूरदराज के गांव से 21 लोगों ने आकर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन के माध्यम से महोदय के समक्ष अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की। महोदय के द्वारा सभी की शिकायतों को बारी बारी से सुना गया एवं संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस लगभग करोड़ों लोग धूमधाम हंसी खुशी से मना रहे हैं। वहीं रामगढ़ प्रखंड के स्टेट बैंक के कर्मचारी लीन में सोए हुए हैं। उन्हें राष्ट्र के त्यौहार से कोई फर्क नहीं हुआ, मतलब आज़ादी के दीवाने कहाँ खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब से उन्हें कहाँ मतलब था। उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब था, जॉब से मतलब था, इसलिए तो बैंक के बाबू साहब ने झंडोत्तोलन के दिन, झंडे ध्वजारोहण के दिन मस्ती में परिवार के साथ लीन में रहे, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की चिंता थी, परिवार की फिक्र थी, देश की कोई फिक्र नहीं थी। दुमका के हंसडिया थाना परिसर में मंगलवार को आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर सभी स्थानीय राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि व बुद्धिजीवी लोगों के साथ शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वहीं संबोधित करते हुए थाना प्रभारी आकृष्ट अमन ने कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का 100% पालन करते हुए पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी प्रकार के सोशल मीडिया के अफवाह पर ध्यान नहीं दें। इस दौरान थाना प्रभारी आकृष्ट अमन समेत कई राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि व बुद्धिजीवी लोग भी वहां शामिल थे।